नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ इस ऑयली स्किन, मतलब तैलीय त्वचा। तैलीय त्वचा के बारे में बताऊँगा, इसके कॉजेज बताऊँगा और प्रिवेंशन बताऊँगा और ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। तो मतलब कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ऑयली स्किन का मतलब होता है तैलीय त्वचा, और शरीर में ऑयली त्वचा होने के कारण पसीना ज़्यादा निकलता है, और पसीना या तेल निकलने के कारण तैलीय त्वचा हो जाती है। इसी को हम ऑयली स्किन कहते हैं और तैलीय त्वचा भी कहते हैं। और ऑयली स्किन के जो पहचान कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में जानिए कि चेहरे पर टिश्यू पेपर को लगाइए, और उससे आपको ये पहचान हो जाएगा कि हमारी त्वचा तैलीय है कि नहीं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली होगी तो टिश्यू पेपर पे धब्बे बन जाएंगे और स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट बन के आ जाएंगे। तो अगर स्पॉट्स बन के आएंगे, धब्बे बन के आएंगे, तो ये मान लीजिएगा कि आपकी स्किन ऑयली है, और अगर नहीं बनते तो फिर नॉर्मल है, ये माना जाएगा। तो ये इसकी पहचान हुई। तो ऑयली स्किन का जो पीएच मान होता है, जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 6 के बीच में होता है। और अब जान लीजिए मनुष्य के रक्त में रक्त का पीएच मान कितना होता है, वो भी 7.40 होना चाहिए। ये इसका मानव के शरीर का रक्त का पीएच मान होता है इतना। तो अब इसके कॉजेस के बारे में जान लीजिए कि कॉजेस क्या हैं, कारण क्या होते हैं, ऑयली त्वचा होने के क्या कारण हैं। ऑयली त्वचा होने के कारण मेडिसिन में कंट्रासेप्टिव टैबलेट खाने से महिलाओं को इस ऑयली स्किन हो जाता है, और पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब मुहासे निकल आते हैं। ऑयली त्वचा होने के कारण आपके चेहरे पे मुहासे और पिंपल्स हो जाते हैं, और फेस पर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और ऑयली त्वचा होने के कारण। तो ऑयली त्वचा होने के कारण सनबर्न के कारण भी ऑयली त्वचा हो जाता है, और अनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी कहते हैं हम, अगर हमारे माँ बाप का ऑयली स्किन है तो हमको भी हो जाएगा, ये अनुवांशिकता कहते हैं, इसी को हेरिडिटी भी कहते हैं। और हार्मोन्स चेंजिंग के कारण भी ऑयली स्किन हो जाती है, और डिप्रेशन मतलब तनाव में होने के कारण, जो व्यक्ति तनाव में डिप्रेशन में होते हैं उनकी भी ऑयली स्किन हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स एंड्रोजन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन बॉडी में अधिक होने लगता है, जिसके कारण हमको पसीना ज़्यादा आता है, और फिर हमारी शरीर तैलीय हो जाती है, और यही ऑयली स्किन होने के ये भी कारण है। और इसके बाद प्रेगनेंसी के कारण भी हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, हर महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के चेंज होने के कारण प्रेगनेंसी पीरियड में, क्योंकि हार्मोन्स उस समय डिसबैलेंस होते हैं, तो चेंजिंग होते हैं, तो इसलिए उस पीरियड में भी स्किन ऑयली हो सकती है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने वाले को के लिए भी सावधान होना चाहिए। ऑयली स्किन होने का बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो लोग मेकअप के प्रोडक्ट महंगे महंगे खरीद के चेहरे पर लगाते हैं, और उसके कारण भी ऑयली स्किन हो जाते हैं। तो ये हुआ इसका कॉजेस, जिसको हम कारण बताएं कि किसके कारण ये प्रॉब्लम हुई, ऑयली स्किन क्यों होता है। तो अब इसके बारे में जानिए कि प्रिवेंशन, इसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं। बचाव में बस थोड़ा सा ये है कि आप फेस वॉश, जो फ्री ऑयल फेस वॉश आते हैं, उनका यूज आप कर सकते हैं, सुबह शाम यूज करिए, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, निजात मिलेगा। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का भी यूज करिए, उससे भी आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। नींद ना पूरी हो रही हो तो भी प्रॉब्लम है आपके लिए, नींद पूरी नहीं होगी तो भी आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक होने लगता है नींद ना पूरी होने पे, हमारे बॉडी से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, जो हार्मोन्स एंड्रोजन होता है, उसका उत्पादन अधिक होने लगता है,
तो उत्पादन अधिक होने के कारण पसीना अधिक आएगा, तैलीय त्वचा हो जाएगी। तो प्रयास करिए कि आपको पूरी नींद 8 घंटे 7 घंटे की नींद लेनी है। तो ये हुआ आपका प्रिवेंशन, जिसको कहते हैं बचाव। और अब आप इसको बारे में बताने चल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, अच्छी चीज़ें खाइए पीजिए, और बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें नहीं खाइए। और इसमें जो सैलिसिलिक एसिड 2% फ्री ऑयल का फेस वॉश, फॉमिंग फेस वॉश का यूज करिए, उससे आपका स्किन ऑयली नहीं होगा। और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज करिए, उससे भी आपका चेहरा, आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। और ग्लाइक्रोएसिड भी का भी फेस वॉश आता है, उसका भी आप यूज करिए सुबह शाम, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज करते रहिए। और बेंजाइल पेरोक्साइड का फेस वॉश आता है, 5% का आता है, उसका यूज करिए, उससे आपकी त्वचा तैलीय नहीं होगी। तो धन्यवाद ये सारी जानकारी आपको देने के लिए। कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमको भेजिए कि आपको कैसा लगा। और जानकारी के लिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे हमारे चैनल को, तभी हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो धन्यवाद, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, और मेडिसिन से संबंधित सारी जानकारी दूंगा, और इस डिसीज के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो ये है आपके आपको ऑयली स्किन के बारे में बताया, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।